हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीक्षांत और इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। ये वाली जो आर्टिकल है वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस, विजन की मैगजीन का आर्टिकल है। अप्रैल मंथ का अपन लोग जो ये है मैगजीन कर रहे हैं अभी, ठीक है। सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन है इसका, उसका आर्टिकल है। कौन सा वाला सेक्शन है? सिक्योरिटी। तो आर्टिकल क्या है? दिस इज द वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग एक बार अपनी विजन मैगजीन खोल लें और साथ साथ मेरे साथ इसको कवर करते हुए चलें। बहुत जल्दी से, बहुत क्रिस्प तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हुआ क्या है, कि व्हाई इट इज इन द न्यूज। रशिया ने क्या किया? अभी रशिया ने वीटो कर दिया है। किस चीज को? अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन आया, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आया कि हम लोग एक वेपन फ्री आउटर स्पेस बनाते हैं। और ये जो रेजोल्यूशन, इसको प्रपोज किया गया था यूएसए और जापान के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर दिया, रशिया ने इसको वीटो कर दिया। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं, इस सिक्योरिटी काउंसिल इस रेजोल्यूशन के बारे में। देखो, अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो ये रेजोल्यूशन क्या कहता हमको? ये कहता है कि कंट्रीज, जिन कंट्रीज ने आउटर स्पेस ट्रीटी को रेटिफाई कर रखा है, उसको फॉलोइंग चीजें माननी पड़ेंगी। ये वाली चीजें माननी पड़ेंगी कौन कौन सी? पहली बात तो अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं इंस्टॉल करना, ठीक है। नॉट टू पुट एनी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड नहीं रखना। सेकंड, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के आसपास नहीं रखना। तीसरा, कह रहा है कि आउटर स्पेस के अंदर भी ऐसा कोई वेपन नहीं रखना है भाई, एज पर दिस रेजोल्यूशन। लेकिन रशिया ने कह दिया, ना भाई, मैं अपने इस रेजोल्यूशन के ऊपर वीटो करता हूं, इस रेजोल्यूशन को मैं पास नहीं होने दूंगा। रशिया ने यह कहा कि रशिया का वीटो करने का क्या मतलब, क्यों किया इसने, रशिया का स्टैंड क्या है? रशिया ये कह रहा है कि ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर आर्म्स के ऊपर ही है, ठीक है। फोकस सोलली ऑन द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग न्यूक्लियर आर्म्स। लेकिन ये रेजोल्यूशन और किसी वेपन्स के बारे में मेंशन नहीं रखता, मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग न्यूक्लियर आर्म्स के ऊपर ही फोकस करता है। इसके अलावा और भी तो वेपन्स हैं, उसके ऊपर कोई फोकस कर नहीं रहा। तो रशिया ने कहा कि इसलिए मैं इसके ऊपर वीटो कर रहा हूं। हालांकि एक बहुत ही इलॉजिकल सा स्टैंड था रशिया का, लेकिन रशिया को इसके ऊपर वीटो करना था, उसने कर दिया, ठीक है। उसके अलावा ये कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कि अगर अपने को डिसीजन लेना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो 15 काउंसिल मेंबर्स के वोट्स में से कम 9 बंदे, 9 लोगों का वोट होना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के फेवर में, ठीक है। 9 वोट्स इन द 9 लोगों की मेजोरिटी जो है वो भी कोई डिसीजन ले पाएगी। अगर कोई डिसीजन किसी भी एक परमानेंट मेंबर ने, सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी एक परमानेंट मेंबर ने वीटो कर दिया, तो वो डिसीजन आगे रिजेक्ट हो जाएगा। अब 5 बंदों में से कौन कौन आते हैं? हु आर द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? इट इज चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके एंड रशिया। तो सभी को पता है ये बात तो कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर ये 5 लोग हैं। 5 लोगों की वजह से अगर कोई भी वीटो कर देगा तो डिसीजन आगे नहीं लिया जाएगा, डिसीजन वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। और ये हमको पता लग गया कि 9 out of 15, कम से कम 9 लोग किसी भी कोई भी निर्णय लेने के समर्थन में होने चाहिए, तभी कोई डिसीजन अपना पास हो पाएगा। फिर आगे देखते हैं अपने पास अबाउट द वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस। व्हाट इज वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस? यहाँ पे दे रखिए अपने को डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस उस प्रोसेस की वजह से बाहर के स्पेस के अंदर, स्पेस में क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन्स इन द स्पेस। स्पेस में हम लोग वेपन्स को डिप्लॉय कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस की वजह से, और इस डिप्लॉयमेंट की वजह से क्या होगा कि इस डिप्लॉयमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और वेपन्स का प्रयोग करते हुए हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, हम लोग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। वो टारगेट्स चाहे अर्थ की ऑर्बिट में हो या फिर अर्थ की सरफेस में हो, ठीक है। अर्थ की ऑर्बिट में टारगेट क्या हो सकता है? व्हाट इज द पॉसिबल टारगेट इन द अर्थ ऑर्बिट? इट कैन बी सैटेलाइट, इट कैन बी स्पेस स्टेशन ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। तो इसलिए इस वाले डेफिनेशन को बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस। हमने क्या किया, हमने स्पेस के अंदर वेपन्स को डिप्लॉय कर दिया है। उन वेपन्स की वजह से अपने पास कंफ्लिक्ट हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, और इन वेपन्स को यूज करके हम लोग हमारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब वो टारगेट चाहे हमारा अर्थ के ऑर्बिट में हो या फिर अर्थ के सरफेस पे हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट इज मिलिटराइजेशन ऑफ द आउटर स्पेस, तो मिलिटराइजेशन ऑफ द आउटर स्पेस का मतलब है
कि हम स्पेस का प्रयोग कर रहे हैं, स्पेस का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर जो ऑपरेशन ग्राउंड बेस्ड है, सी बेस्ड है या फिर एयर बेस्ड है। हम लोग स्पेस का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन को करने में जो ऑपरेशन ग्राउंड बेस्ड है, सी बेस्ड है, एयर बेस्ड है, इसको बोल रहे हैं मिलिट्राइजेशन ऑफ द आउटर स्पेस। मिलिट्राइजेशन ऑफ आउटर स्पेस में हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोग कोई भी ऐसी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे जो कि अर्थ के ऑर्बिट पे है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। अब अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं कि हम लोग स्पेस में थोड़ा सा शांति बनाए रखें। उसके क्या क्या इनिशिएटिव है? पहला इनिशिएटिव है कमेटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। ऐसी कमेटी बनाई गई है कि हम आउटर स्पेस को पीसफुली यूज करेंगे। ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी करेगी कि हम लोग स्पेस का यूज और एक्सप्लोरेशन को, स्पेस को प्रयोग और एक्सप्लोर कर सकें फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल ह्यूमैनिटी। अगर हम लोग स्पेस का प्रयोग कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, उस चीज को गवर्न करेगी ये कमेटी, ठीक है। फिर आता है आउटर स्पेस ट्रीटी, ये साइन हुई 1967 के अंदर। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या कर रही है? ये प्रोहिबिट कर रही है न्यूक्लियर वेपन्स को या फिर किसी और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को इन द आउटर स्पेस। फिर आता है रेस्क्यू एग्रीमेंट। रेस्क्यू तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है किसका क्या उद्देश्य होगा। जब हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू कर लेंगे, रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट्स में हेल्प करेंगे एंड रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी हम लोग रेस्क्यू का काम करेंगे, तो इसको बोल दिया अपने पास रेस्क्यू एग्रीमेंट। इन सब उद्देश्यों के लिए हमने साइन किया रेस्क्यू एग्रीमेंट। फिर आता है स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन। इसका मतलब यह है कि भाई जिसने जो चीज अगर स्पेस में छोड़ी उसकी लायबिलिटी इसके ऊपर। अगर इंडिया ने अपने पास कोई भी सैटेलाइट अगर छोड़ता है स्पेस के अंदर, अगर उसकी वजह से किसी चीज पर डैमेज हुआ तो सारा का सारा लायबिलिटी इंडिया पे पड़ेगी। तो ये सिर्फ यही कहना चाह रहा है स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन। क्या कह रहा है कि कोई कंट्री कुछ लॉन्च कर रही है स्पेस के अंदर, तो दिस कंट्री विल बी लायबल फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय इट्स स्पेस ऑब्जेक्ट्स। साफ सिंपल बात है। फिर कहता है लॉन्च रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। अब अपन ने एक कन्वेंशन और निकाला। इस कन्वेंशन का कह रहा है कि हम कुछ भी चीज लॉन्च करेंगे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। हम कुछ भी चीज लॉन्च करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब अगर सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद इस चीज के बारे में हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन को, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं या फिर हम कुछ और चीज लॉन्च कर रहे हैं स्पेस के अंदर, उसका रजिस्ट्रेशन भी हम लोग कर रहे हैं। फिर आता है मून एग्रीमेंट। चंद्रमा का हमारे पास एग्रीमेंट आ गया भाई। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप लोग मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बना सकते। इट फॉरबिड्स इंस्टॉलेशन ऑफ मिलिट्री बेस। चंद्रमा पे आप कोई मिलिट्री बेस नहीं बना सकते, ना ही वहां पे कोई फोर्टिफिकेशन कर सकते, ना ही कोई चीज इंस्टॉल कर सकते मून के ऊपर। एंड टेस्टिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ वेपन ऑन द मून, और मून पे किसी भी टाइप के वेपन को टेस्ट करना भी आपके लिए निषेध है, ठीक है। मून पे आप लोग कोई वेपन भी टेस्ट नहीं कर सकते। फिर मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इंडिया इज पार्टी टू, इंडिया किस किस का सदस्य है ऊपर वालों में से? इंडिया इज पार्टी टू आउटर स्पेस ट्रीटी, रेस्क्यू एग्रीमेंट, लायबिलिटी कन्वेंशन का भी अपने पास इंडिया पार्टी है, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन का भी इंडिया इज ए मेंबर। लेकिन इंडिया ने मून ट्रीटी को साइन तो किया है लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। इंडिया जो है कोपस के अंदर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है गाइस। अब आगे चलते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है विद द वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस। स्पेस को वेपनाइज करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखो एक इशू ये आता है आर्म्स रेस। जैसे मान लो कि इंडिया के पास अगर सिर्फ आर्म्स रेस की बात कर रहे हैं, इंडिया के पास अगर न्यूक्लियर पावर नहीं है और इंडिया इज इन कंपटीशन विद अदर कंट्री, लेट अस अज्यूम चाइना, या फिर ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया के पास अपने पास न्यूक्लियर पावर है बट इंडिया इज इन बट पाकिस्तान इज ऑल्सो इन कंपटीशन विद इंडिया, तो पाकिस्तान भी चाहेगा कि, पाकिस्तान भी इस दौड़ में लग जाएगा कि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर पावर हो, तो उसी चीज को बोल रहे हैं हम लोग आर्म्स रेस। अब व्हाट इज डेटरेंस? डेटरेंस का मतलब है कि मेरे पास इतनी पावर है कि उस पावर को देखते हुए आसपास वाले मेरे पड़ोसी देश या फिर मेरे दुश्मन देश मेरे पे हमला नहीं करेंगे, इस चीज को कह रहा है डेटरेंस, ठीक है। तो बस यही कह रहा है कि इस वजह से क्या होगा, अगर हम लोग स्पेस में वेपनाइजेशन कर रहे हैं तो इस वजह से लोगों के में आर्म्स रेस हो जाएगी कि भाई मैं और ज्यादा बंदूक इकट्ठी कर लूं, मैं और ज्यादा टैंक इकट्ठा कर लूं, अगर पाकिस्तान इकट्ठे कर रहा है और ज्यादा हथियार तो मैं और हथियार इकट्ठे कर लूं। तो मेजर पावर जैसे यूएस, चाइना, रशिया,
इन लोगों के मिलिट्री यूनिट्स हैं ऐसी जो कि स्पेशलाइज करती है स्पेस ऑपरेशंस में, इंडिकेट दैट स्पेस हैज बिकम ए न्यू वार फाइटिंग डोमेन। सही बात है, अब स्पेस जो है एक नया वार फाइटिंग डोमेन बन गया है। डेब्री एंड द कंजेशन, अब क्या हो रहा है कि लोग है ना इतना अपने पास स्पेस वाली चीजें इकट्ठी कर रहे हैं कि स्पेस में बहुत ज्यादा डेब्री हो गया। ठीक है, स्पेस में इतनी सैटेलाइट हो गई है, स्पेस में इतनी चीजें हो गई, स्पेस में डेब्री हो गया, अब उसकी वजह से वहां पर कंजेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब स्पेस कंफ्लिक्ट की वजह से क्या होगा, जैसे स्पेस में अपने पास स्पेस में लड़ाइयां हो गई मान लो, ठीक है, किसी कंट्री ने किसी की सैटेलाइट पे हमला कर दिया, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो स्पेस कंफ्लिक्ट है, स्पेस कंफ्लिक्ट है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अनडिजायर्ड अपने पास स्पेस के अंदर डेब्रिस पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने किसी कंट्री के अराउंड 50-60 सैटेलाइट खत्म कर दी, अटैक करके खत्म कर दी उनको, अब उस कंट्री को दोबारा सैटेलाइट बनानी पड़ेगी, फिर से वो लॉन्च करेगी, कुछ और बढ़िया करके लॉन्च करेगी, तो स्पेस में तो कचरा ही बढ़ रहा है इस वजह से, और ये इररिवर्सिबल इंपैक्ट ऑन द स्पेस एनवायरमेंट। अब कह रहा है कि ड्यूअल यूजेस टेक्नोलॉजीज, होता क्या है कि बहुत सी ऐसी तकनीक है जिनको हम लोग मिलिट्री पर्पज से भी यूज कर सकते हैं और सिविलियन पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे अपने पास जीपीएस ट्रैकर, सही बात है, जीपीएस को तो अपने पास मिलिट्री भी यूज कर सकती है, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स को मिलिट्री भी यूज कर सकती है, सैटेलाइट को मिलिट्री भी यूज कर सकती है, किसी भी जगह पर सर्विलांस करने के लिए, किसी भी जगह पर निगरानी रखने के लिए मिलिट्री इसको क्या किस तरीके से यूज कर सकती है, इसको यूज कर सकती है निगरानी रखने के लिए। तो ये जो है इट इज द बेसिकली ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, फिर आता है आउटडेटेड स्पेस ट्रीटी। अब हमने जो स्पेस ट्रीटी साइन कर रखी है वो किसी पुराने जमाने की है, जब कुछ अलग जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हुआ करते, कुछ अलग टेक्नोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस हुआ करते, जो कि आज की कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को लेके वेल सुटेड नहीं है, इसलिए अपने को नई जो है स्पेस ट्रीटी साइन करनी चाहिए। इंडिया ने क्या क्या, यहाँ पे आ जाओ गाइस, इंडिया ने क्या क्या वो लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं टू इनहांस द स्पेस कैपेबिलिटीज। पहला बनाया है इंडिया ने डिफेंस स्पेस एजेंसी, क्या बनाई है, डिफेंस स्पेस एजेंसी, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2018 के अंदर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि मिलिट्री के अंदर मिलिट्री स्पेस एक्टिविटीज में हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे। फिर आता है मिशन शक्ति, मिशन शक्ति का क्या उद्देश्य है भाई, इसका उद्देश्य यह है कि ये फर्स्ट एवर पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है। व्हाट इज इट, इट इज फर्स्ट एवर एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, जो कि 2019 में कंडक्ट किया गया था। फिर आता है इंडिया स्पेस एक्स, अब ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है भाई, ये कह रहा है कि सिमुलेटेड स्पेस वारफेयर एक्सरसाइजेस, सिमुलेशन से हम लोग स्पेस की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ चीजें खुद सिमुलेट करेंगे, सिमुलेट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे जो तरीके हैं, हम किस तरह से स्पेस में लड़ाइयां करेंगे, उस चीज को सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है वे फॉरवर्ड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सही बात है, अगर हमको स्पेस वेपनाइजेशन से बचना है तो हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इंटरनेशनली हम लोग लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज बनाएंगे, और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। अब क्या कह रहे थे, ट्रीटी क्या क्या बैन कर सकती है, ये बैन कर सकती है हर काइंड ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड कन्वेंशनल और सिंपल हिट टू किल वेपन्स, इन सबको बैन कर सकती है। हिट टू किल वेपन्स क्या है, कोई वेपन मान लो उसमें से कुछ चीज निकली, उसने वो किसी के जगह लगी और वो मर गया, मतलब काइनेटिक किल, काइनेटिक एनर्जी की वजह से अपने पास कोई वेपन काम कर रहा है और वो किसी को जाके मार दे रहा है, तो इट इज हिट टू किल वेपन। ठीक है, स्पेस डोमेन अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी लोगों के बीच में। अब स्पेस डोमेन अवेयरनेस का एक एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अभी क्या हुआ है, एक कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन इनिशिएटिव, स्पेस ऑपरेशन का इनिशिएटिव चलाया गया है, किस किस ने चलाया है, फाइव आईज कौन कौन से स्टेट है, वो ये है, इनके साथ मिलकर जर्मनी और फ्रांस ने मिला के अपने पास एक कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन इनिशिएटिव चलाया है। अब ये इनिशिएटिव क्या करेगा, ये इनिशिएटिव करेगा कि इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, स्पेस एक्टिविटीज के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। अब ये पांच आंखें कौन कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है ही, यूके, उसके अलावा यूएसए और कनाडा, ये पांचों कंट्रीज। फिर आता है मिटिगेटिंग द स्पेस डेब्रीज, स्पेस डेबरी को हम लोग कम करना या फिर उसकी देखभाल करना है, उसको कैसे इसको उससे निपटा जाए। ठीक है, इनहांस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, सिचुएशनल अवेयरनेस, किसी भी सिचुएशन में हमको अवेयर रहना है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ठीक है, ये वर्ड आप रट्टे मारोगे दिक्कत आएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। ये क्या चीज है, एसएसए क्या चीज है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस,
इट इज द एबिलिटी टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग इन स्पेस, मतलब हम लोग अवेयर हैं कि स्पेस में क्या क्या चीजें हैं, उस चीज के लिए हम सब अवेयर हैं। अवेयर है इसका मतलब हम लोग उन चीज को ट्रैक कर पा रहे हैं कि बढ़ रही है कम हो रही है, ठीक है। मतलब स्पेस डेब्रिस के बारे में अवेयर है, स्पेस डेब्रिस को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, सैटेलाइट बिहेवियर को ट्रैक कर रहे हैं, एंटी कोलिजन मैकेनिज्म को देख पा रहे हैं, एंड पॉसिबल साइंस ऑफ द वेपनाइजेशन बाय अदर्स। अगर कोई और तो कोई और कंट्री अपने पास स्पेस में वेपनाइजेशन तो नहीं कर रही है, इस चीज को भी हम लोग उस चीज को ट्रैक कर रहे हैं। एंटी कोलिजन मैकेनिज्म मतलब कोई सैटेलाइट आपस में टकरा ना जाए, इस चीज को भी हम लोग ध्यान में दे रहे हैं, ठीक है। सही बात है, अगर कोई आपस में सैटेलाइट टकरा जाएगी तो डेब्रिस बढ़ेगा वहां पे ऊपर, क्योंकि वो किसी काम की नहीं बचेगी, तो इसलिए हम लोग एंटी कोलिजन मैकेनिज्म का ध्यान रख रहे हैं। इनफोर्सेबल स्पेस लॉ, लॉ दैट डिलीवर्स इमीडिएट सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर स्टेट्स। क्या कह रहा है कि हम लोग एक इनफोर्सेबल स्पेस लॉ बनाए। स्पेस लॉ क्या करेगा, इस स्पेस लॉ की वजह से जो कंट्री वॉयलेट कर रही है नॉर्म्स को, द कंट्री विच इज वॉयलेटिंग द नॉर्म्स, उस कंट्री के ऊपर हम लोग डिप्लोमेटिक, उस कंट्री के लिए डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसा स्पेस लॉ बनाए, जैसे जैसे अभी अपने पास प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस, ये वाला अपने पास जो है इसको प्रपोज किया गया है कि हम लोग अब एक ऐसी चीज निकालते हैं जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस। ये क्या है, ये एक यूएन रेजोल्यूशन है जो कि कहता है कि बैन कर दो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को, ठीक है। तो ये आर्टिकल था गाइस, थोड़ी सी रिलेटेड न्यूज और है, ये और देख लेते हैं एक बार क्या हुआ है। स्वीडन जो है, इट इज ये 38th कंट्री बन गई है आर्टेमिस अकॉर्ड्स की। आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है, इसको नासा ने एस्टेब्लिश किया था 2020 के अंदर। किस किस ने एस्टेब्लिश किया था, नासा ने एस्टेब्लिश किया था इन कोऑर्डिनेशन विद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। इसके साथ मिलकर 7 और कंट्रीज थे जिसने इसको फाउंड किया था, किसको, आर्टेमिस अकॉर्ड्स को। अब आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है, आर्टेमिस अकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ द 1967। उसके अलावा ये नॉन बाइंडिंग है। ये अकॉर्ड क्या कह रहा है कि ये अकॉर्ड कह रहा है कि हम लोग सिविल स्पेस, टू गाइड सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन, हम लोग स्पेस के एक्सप्लोरेशन और उसके स्पेस के यूज को गाइड कर रहा है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स का ऑब्जेक्टिव या फिर इसका, इसको इसीलिए डिजाइन किया गया है कि ये जो अकॉर्ड्स हैं ये या फिर प्रिंसिपल्स हैं, ये गाइड कर सके स्पेस के एक्सप्लोरेशन और स्पेस के यूज को, ठीक है। उसके अलावा चूंकि इसमें बहुत सारे लोग इसको मिलकर इन अकॉर्ड्स को एस्टेब्लिश किया है, इन नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इसको हमने कह दिया कि इट इज ए मल्टीलेटरल लीडरशिप रिप्रेजेंटेटिव। सही बात है, बहुत सी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मल्टीलेटरल इन द स्पेस, इन द सिविल स्पेस डिप्लोमेसी। देखो गाइस, एक आर्टिकल और है जो कि डिजास्टर डिप्लोमेसी के ऊपर है, इसी महीने का है, आप लोग वो भी कवर करना, ठीक है। डिजास्टर डिप्लोमेसी पे क्या स्पेलिंग लिख दी मैंने, ये डिजास्टर डिप्लोमेसी पे आर्टिकल है, उसको भी देखना, ठीक है। डिप्लोमेसी आईआर वाला पार्ट है उसका, मतलब इस वाले मैगजीन के आईआर वाले पार्ट के अंदर डिजास्टर डिप्लोमेसी पे आर्टिकल, उसको भी आप लोग देखना, ठीक है। इट ब्रिंग्स टुगेदर डाइवर्स सेट्स ऑफ नेशन एंड शेयर्ड विजन एंड पीसफुल स्पेस कोऑपरेशन। तो क्या कह रहा है कि बहुत सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व्ड है, और ये किस चीज के लिए, ये बेसिकली आप सभी को पता है, इट इज फॉर द अपने पास स्पेस के लिए है ये वाला कोड। तो अगर इसमें बहुत सी कंट्रीज आपस में मिल रही है, तो अपने पास एक स्पेस डिप्लोमेसी क्रिएट होगी, और अपने पास अलग अलग कंट्रीज को एक साथ लेके आएगा, डाइवर्स सेट ऑफ नेशंस को एक साथ लेके आ रहा है, उससे क्या होगा, अपने पास सभी का जो एक पीसफुल स्पेस कोऑपरेशन का विजन है वो फुलफिल होगा, ठीक है। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। अब कमिटमेंट्स क्या है इस अकॉर्ड्स के अंदर, अगर किसी आदमी ने इस अकॉर्ड को साइन कर लिया तो क्या क्या कमिटमेंट है, ये अपने पास 5 कमिटमेंट दे रखे हैं यहां पे। सबसे पहले, नेशनल स्पेस पॉलिसीज एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम देयर एक्टिविटीज। जो भी कंट्री है अगर वो कोई एक्टिविटी कर रही है, तो उस उन एक्टिविटीज से लेके मतलब उस कंट्री को डेसिमिनेट करना पड़ेगा, डेसिमेट मतलब डेसिमिनेशन मतलब फैलाना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा भाई दिस इज माय नेशनल स्पेस पॉलिसी और ये मेरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। जब मैं अगर कोई अगर मैं स्पेस की एक्टिविटी कर रहा हूं तो उससे मेरे को ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इस अकॉर्ड के अंदर जो सिग्नेटरी है उसको ये चीज बतानी पड़ेगी 7 वाले मेंबर कंट्रीज को, ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहा है कि ये लोग मिलकर एक इंटर ऑपरेबल कॉमन एक्सप्लोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब क्या कह रहा है कि जितनी भी कंट्रीज आ रही है अकॉर्ड के अंदर, ये सारी कंट्रीज मिलकर एक ऐसा एक्सप्लोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो आपस में इंटर ऑपरेट कर सकें, ये कंट्रीज आपस में उसको इंटरऑपरेट कर सकें, आपस में यूज कर सकें, और ऐसे ही स्टैंडर्ड सेट करेंगे।
जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए ऐसा इंटरऑपरेबल सिस्टम बनाएंगे, अगर कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल वापस आके लैंड कर रहा है तो उसके लिए अपन ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो अपने पसंद इनके बीच में वो हुए हैं, उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंप्लीमेंट करना है। फिर आता है अपने पास प्रिजर्व आउटर स्पेस हेरिटेज, आउटर स्पेस हेरिटेज को हम लोग को प्रिजर्व करना है। जैसे कहां, जैसे मून में कुछ कोई पॉइंट हो गया कि यहां पे भाई नील आर्मस्ट्रांग उतरा था, वो हम लोगों ने मान लिया कि एक हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। हिस्टोरिक लैंडिंग साइट, जहां पे अपने पास मान लेते हैं कि मार्स पे हमारा कोई सैटेलाइट उतरा है, उसको अगर मान लिया कि हमारा हिस्टोरिक लैंडिंग साइट है तो उसको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। अगर एविडेंस ऑफ एक्टिविटी ऑन सेलेस्टियल बॉडीज, इनको प्रिजर्व करेंगे। मिटिगेट ऑर्बिटल डेब्री एंड इंड्यूस सेफ एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ स्पेस क्राफ्ट एट द एंड ऑफ मिशन, ठीक है। ये सब अपने पास क्या रखा है, ये काम करने पड़ेंगे अगर कोई सिग्नेटरी है इस अकॉर्ड का। फिर आता अपने पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक डिबेट राइज हुई है कि भाई वीटो पावर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार यूज हो रही है। अब क्या कह रहा है कि यूएन के इंसेप्शन से, जब से यूएन बना है तब से लेके अब तक 300 से ज्यादा बार अपने पास वीटो पावर यूज हो चुकी है। रीजन फॉर ग्रोइंग यूज ऑफ वीटो पावर, वीटो पावर क्यों बढ़ रही है, लोग नेशनल इंटरेस्ट के लिए वीटो पावर यूज कर रहे हैं, अपने वीटो क्या कह रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए वीटो पावर यूज कर रहे हैं, या फिर फॉरेन पॉलिसी को अपहोल्ड करने के लिए वीटो पावर यूज कर रहे हैं। इंक्रीज इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस, ग्लोबली अपने पास क्राइसिस और बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वीटो पावर का प्रयोग हो रहा है। जैसे रशिया ने एनेक्स कर लिया क्रीमिया को, रशिया ने इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के ऊपर, इसराइल और पैलेस्टीन के जो पैलेस्टीन के अंदर अपने पास एक ग्रुप है हमस, इसके बीच में लड़ाई हो गई। पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से अपने पास ये हो रहा है, वीटो पावर यूज हो रहा है। जैसे मान लो यूएस को बचाना है इसराइल को, इसलिए यूएस ने वीटो पावर यूज कर दी। अब क्या होता है कि इंपैक्ट ऑफ द ओवर यूज ऑफ वीटो पावर, इतनी ज्यादा वीटो पावर यूज हो रही है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला तो इंपैक्ट पड़ रहा है ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को, जब क्या होता है ना कि जैसे कि कोई कहीं दिक्कत चल रही है और वहां पे हमको लोगों को बचाना है, लेकिन किसी कंट्री ने वहां पे लगा दी वीटो पावर तो वहां पे डिले आ जाएगा। वहां पे जैसे एग्जांपल कि पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट में डिले आ गया बिकॉज ऑफ द वीटो पावर, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड को भेजने के अंदर डिले आ गया, जैसे अपने पास अप्रूवल ऑफ क्रिटिकल इंटरवेंशंस टू सेफगार्ड सिविलियंस, इसमें डिले आ गया। सिविलियंस को बचाने के लिए जो हमको क्रिटिकल इंटरवेंशन करने थे उसके लिए जो अप्रूवल चाहिए था उसमें डिले आ गया बिकॉज ऑफ वीटो पावर, तो दिस इज अ इशू। डेडलॉक एंड इनएक्शन, किसी कंट्री ने अगर वीटो पावर लगा दिया तो उसकी वजह से हो सकता है डिप्लोमेटिक पैरालिसिस हो जाए, ठीक है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अब यार इसका उद्देश्य ये है सिक्योरिटी काउंसिल का कि भाई ये वर्ल्ड पीस को प्रिजर्व करे, संसार में शांति बनाए रखे, लेकिन ये लोग तो वीटो कर करके इस शांति को ही भंग कर रहे हैं, तो इसलिए क्या कह रहा है कि इसको इनकम्पिटेंट माना जा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज कंसिडर्ड इट सीन एज इनकम्पिटेंट एंड अनएबल टू कैरी इट्स फंक्शन ऑफ प्रिजर्विंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। फिर कहता है इरोजन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म जो है वो इरोड हो रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, इट माइट पोज स्टेट्स, अब क्या कह रहा है कि लोग आए अगर सिक्योरिटी काउंसिल के पास कि भाई अपने पास यहाँ पे लड़ाई दंगा हो रहा है तो इसको ठीक किया जाए, लेकिन अब अगर सिक्योरिटी काउंसिल वीटो करेगी तो लोग क्या करेंगे, किसी और फोरम, किसी और चीज, या फिर खुद ब खुद चीजें ठीक करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो स्टेट्स फंसे हुए हैं किसी भी अपने पास कंफ्लिक्ट में, ऐसे स्टेट रिलाई ऑन द अदर फोरम्स, सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएंगे नहीं, या फिर अपने आप खुद ब खुद एक्शन ले लेंगे, जिसकी वजह से अपने पास इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है डिस्प्यूट रिजोल्विंग में कम हो जाएगा। इट विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द डिस्प्यूट रिजोल्विंग। तो दिस वॉज द आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अफ्सपा। इस वाले आर्टिकल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यार आप लोगों ने पूरा, आई होप कि पूरा वीडियो देखा है और स्पीड बढ़ा के देख लिया, अगर कोई इशू नहीं है। समटाइम्स आई एम वेरी वेरी स्लो कि चीजें आपके दिमाग में जाए, ठीक है। तो ठीक है, इस वाले वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, सब बाय, जय हिंद, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।